ये चमत्कार सियाचिन में हुआ है। सियाचिन में मौत को मात देने वाले जवान हनुमंत थप्पा को इलाज के लिए अब दिल्ली लाया गया है। 6 दिन तक सियाचिन में करीब 25 फुट बर्फ के नीचे दबे होने के बाद भी लांस नायक हनुमंत थप्पा जिंदा निकाले गए। जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम थी उन्होंने हनुमंत थप्पा को जिंदा निकाला 25 फुट बर्फ की चादर के नीचे, और टेंट के अंदर दबे हुए थे हनुमंत थप्पा। इस वजह से मुमकिन हो पाया कि वो जिंदा बच निकले। एवलांच आया था 3 फरवरी को, ये बड़ा हादसा, और आपको बताते हैं कि अब उन्हें दिल्ली लाया गया है बेहतर इलाज के लिए। नीरज राजपूत और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। नीरज, दिल्ली लाया गया है उन्हें, अब इलाज ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा उनका? बिल्कुल निधि, जो माना जाता है दिल्ली का जो रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल है ये देश के सबसे चुनिंदा हॉस्पिटल्स में है जहाँ बेहतर इलाज होता है, और इसीलिए ये निर्णय लिया गया सेना के द्वारा कि जो हनुमंत थप्पा है उनको पहले वो सियाचिन बेस कैंप में जहाँ पर मिलिट्री हॉस्पिटल था वहाँ पर एडमिट थे, लेकिन क्योंकि उनकी जो स्थिति थी वो नाजुक बनी हुई थी इसीलिए निर्णय लिया गया कि इनको दिल्ली के रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए जहाँ पर उनका बेहतर इलाज हो सके। और इसी के लिए जो हनुमंत थप्पा है वो वायुसेना से जो विमान है उससे वो दिल्ली पहुंच गए हैं, पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, और अब उनको यहाँ पर रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल लाया जाएगा जहाँ पर आगे का उनका इलाज चलाया जाएगा। जी धन्यवाद नीरज इस अपडेट के लिए। तो नीरज, जैसा कि बता रहे हैं कि वायुसेना के विमान से उन्हें दिल्ली लाया गया है और अब उनका इलाज दिल्ली में हो पाएगा। बहरहाल आपको ये भी बता दें कि उनकी सेहत में लगातार तेज़ी से सुधार भी हुआ है, और आपको ये दिखाते हैं कि सियाचिन में आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे, क्योंकि 6 दिन से बर्फ के नीचे दबे हुए थे हनुमंत थप्पा और सेना के एक लांस नायक को जिंदा निकाला गया रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम ने।